हमारे बीच में समझौता हुआ था, अगर हमने उनकी बात मान ली तब वो महल का वातावरण दूषित नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि एक बार फिर हमें इसी विषय में उनसे बात करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि मंत्री और महामंत्री हमारी बात से सहमत हो जाएंगे कि मामा जी हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मामा जी यहां रुकने के लिए मान जाए। परंतु क्या? परंतु पहली बात, क्या यह चित्तौड़ और चित्तौड़ की प्रजा को स्वीकार्य होगा कि हमारे मामा जी यहां आकर रहे, और वो भी प्रधान सेनापति के रूप में? और दूसरी बात, क्या हमारे मामा जी यहां रहकर प्रधान सेनापति के पद को स्वीकार करेंगे? बात रीति या सिद्धांत की नहीं है, बात दो प्रांतों के भविष्य की भी है। और जब आपका उद्देश्य आपकी माटी और मातृभूमि से जुड़ जाए तो समस्त कुल रीति और मानवीय सिद्धांत कौन हो जाते हैं? अभी हम यहां से जा रहे हैं क्योंकि आज प्रथम अवसर है जब मामा जी को राजकीय सम्मान के साथ राजसभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हमारा वहां पर रहना आवश्यक है। राजपुताना नृत्य तो तब भी हुआ था जब हम यहां महला में आए थे, पर तब हमने रानी मां को पराजित कर दिया था। पर आज हमारी प्रतियोगिता हमारी छोटी बहन के साथ है, हमारी वो छोटी बहन जो यहां महलों में आई है हमसे अधिकार बांटने। सुना है वो हर तरह के नृत्य में निपुण है और राजपुताना का नृत्य भी बहुत अच्छा आवे है। और जिस तरह से वो हमें घूर घूर के देखती है उसे लगता है कि वो हमें बहुत जल्दी नीचा दिखा देगी। इसलिए जाओ और जाकर चित्तौड़ की और यह महलों की समस्त महिलाओं से कह दो कि इस बार प्रतियोगिता कांटे की होगी, जो देखण से चूकी समझो जीवन व्यर्थ हो गया। जाओ दासी और कुछ ऐसी बात बनाओ कि पूरा चित्तौड़ उमड़ पड़े और इतनी महिलाएं आए कि लोगों के लिए जगह ही ना बचे। जाओ। जो आज्ञा रानी बहू। राजपुताना नृत्य करेगी, वो भी हमारे साथ। आज जो भी आवेगा इसी विश्वास के साथ आवेगा कि उसे राजपुताना नृत्य की प्रतियोगिता में कमाल की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। पर लोगा ने ना मालूम कि जुगलबंदी तो होवेगी पर पद्मिनी और नागमती के बीच। और ये मार आलमपना, हर बार छह का हिंसा आए तभी जीत यकीनी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक का हिंसा भी कभी कभी छह पर भारी पड़ता है। हम तय दिल से अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। अलीजा, अगर खेल में इस कदर मशगूलियत ना हो तो कुछ अहम मसले हैं, उन पर गुफ्तगू कर ली जाए। मशगूलियत है भी नहीं भी, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? आलमपना, एक बहुत ही बुरी खबर है। अगर गुस्सा के मुआफ हो तो मैं यहां करूं। तुम कहां जा रही हो ताईबा? सियासी मसलों को अब तुम्हारी आदत सी हो गई। कहो कफूर, क्या बात है? रणथंभौर से एक बुरी खबर है आलीजा। बुरी खबर? कल ही तो कहा था तुमने कि रणथंभौर पर हमारी पकड़ मजबूत हो गई है और बाखुदा अब रणथंभौर पर परचम लहराने में बस चंद ही रोज बाकी है। वो तो कल की बात थी हुजूर, लेकिन आज सूरत हाल यह है कि काफिरों ने एक साथ मिलकर हमारी फौज के चारों तरफ से एक और डेरा डाल दिया है, इससे हमारी फौज अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिर चुकी है। उनके पास रसद के नाम पर चंद्रोज का ही दाना पानी है। तुम बताओ कफूर, क्या करूं मैं? कोई मुनासिब
मंसूबा है तुम्हारे पास या यूं ही चले आए? क्या करूं मैं? अपने गुस्से को आपस से बाहर कर दूं, खून की नदियां बहा दूं? क्या करूं मैं बताओ? हुजूर, अगर आप इजाजत दें और खाकसार को इस काबिल समझें तो बंदा कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहे। फिलहाल तो इस खाकसार का मशवरा यह है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें और होशमंदी से काम लें। अगर आप कुछ कहना ही चाहते हैं तो अपनी फौजों को हुक्म दीजिए कि राजपूत राजाओं से शिकस्त कबूल करके वापस चले। हुजूर, हम जानते हैं शिकस्त कबूल करने के बाद राजपूत राजा हारी हुई फौज पर हथियार नहीं उठाएंगे। खुसरो साहब, आप तो बहुत ही नातजुर्बेकार इंसान हैं। मैं तो आपको यहां यह सोच कर लाया था कि आप कोई नायाब मशविरा देंगे, पर आप तो दिल्ली दरबार के ही शिकस्त की बात कर रहे हैं। और हमें हैरत है कि आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। अफसोस साहब, वो कहावत सुनी है आपने, जान बची तो लाखों पाए। अगर हमारी फौज सही सलामत वापस चली आती है तो हमें चंद दिन की रसद के अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा। होशमंदी यही है, वक्त का तकाजा यही है। गुस्ताखी माफ हुजूर, पहला सबक है सियासत का कि सामने वाले पर तलवार की धार से नहीं दिमाग की मार से वार करो, वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। किस तरह खुसरो साहब? सबसे पहले उनके दिमागों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हमला कीजिए, दुश्मन टूट जाएगा। जाओ और पहले यह पता करो कि रणथंभौर के आवाम अपने हुक्मरानों से कितने खुश हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है बहुत से ऐसे हैं जिनके दिलों में खलिश है। बस हमें उन बागियों की निशानदेही करनी होगी। यकीन मानिए, रणथंभौर आपके कदमों में होगा। हमने ये राज्यसभा गोरा सिंह के बारे में आप लोगों की राय जानने के लिए बुलाई है। आप लोग ये भी जानते हैं कि दुश्मन राज की सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए गोरा सिंह जी के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहला इस बात को ध्यान में अवश्य रखियो। बातचीत शुरू की जाए। हम जानते हैं कि आप सभी हमारे एक से बढ़कर एक योद्धा हैं, कि चाहे जितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, रण में उसे परास्त करने की क्षमता रखते हैं। पर जब बात खिलजी की हो तो परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास छल प्रपंच नाम के दो ऐसे अस्त्र हैं जिनके सम्मुख हम क्षत्रिय भी अक्सर पराजित हो जाते हैं। इसलिए उन शस्त्रों की धार को मोथरी करने की कला का ज्ञानी भी हमारे साथ होना अति आवश्यक है। और ऐसे में अगर सिंगल द्वीप के प्रधान सेनापति गोरा सिंह जी सहमत हो तो हम उन्हें आज ही चित्तौड़ की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं, जो खिलजी जैसे दो मुहे सांप का सामना करने की रण कौशलता से भली भांति परिचित हो। क्षमा करें महाराज, मैं जानता हूं कि गोरा सिंह एक श्रेष्ठ महायोद्धा है, परंतु ये राजपूताना के लिए सर्वथा नए हैं। और महाराज, सिंगल द्वीप और हमारे यहां की व्यवस्था में बहुत अंतर है, साथ ही अपने चित्तौड़ की प्रशासनिक व्यवस्था तो प्रारंभ से ही भली भांति कार्यरत है। दरबार में आने से पूर्व हम ये निर्णय ले चुके थे और आप सबके विचारों का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहें कि हमें गोरा सिंह के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। संकट की यह घड़ी में
हमारे सबका मन में प्रश्न तो अनेक हैं, पर उत्तर ना। इसलिए हमारो कहनो है कि गोरा सिंह का नेतृत्व में भरोसा रखो, अपने आप समस्त प्रश्न के उत्तर मिल जाएगा। परंतु गोरा मामा जी की सहमति आप सभी के विचारों से महत्वपूर्ण है, और इन्होंने अभी तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है। गर कल हार गए तो क्या होगा ये सोचो है? आपने इसे सोचो भी कैसे रानी मां? हार वो भी उससे जिसे राजपुताना नृत्यकार रा भी ना आवे। और साक्षी कहूं तो राजपुताना नृत्य प्रतियोगिता में जीतने का पुराना अनुभव है हमारा। आप तो भूली ना होंगी जब आप हमारे साथ नाची थी। रानी बहू, तुम जीती ना थी, हम हारे थे, क्योंकि थारे गृह प्रवेश के अवसर पे थारे से थालिया की जो खन खनाहट इन राजमहला में गूंजी थी ना, उस गूंज को कम करण थारे मान की रक्षा की खातिर वो हमारा एक युक्ति भर थी। पर रानी बहू, तुमने हमारे उस प्रयास को समझने में बड़ी भूल कर दी। रानी बहू, हम सांचे हृदय से इस प्रतियोगिता में थारी विजय की कामना करते हैं। यह आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया राजकुमार जी? एक तरफ कर्म भूमि के प्रति कर्तव्य है, तो दूसरी तरफ भांजी के भविष्य की चिंता। अगर हम कर्म भूमि की सुरक्षा करते हैं तो हमारे भांजे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और अगर भांजी के भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हम क्या करें, क्या करें? कुंवर जी, क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम हमारे भांजे के यहां का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, और आप हमें स्थायी रूप से यहां रुकने के लिए कह रहे हैं। अगर ऐसे में हम कभी सिंघलद्वीप वापस जाएं, तो क्या सिंघलद्वीप की प्रजा हमें स्वीकार करेगी? यह सत्य है कि क्षत्रिय धर्म के आगे कुछ भी नहीं है, और आप अपने धर्म से विमुख नहीं हो रहे मामा जी। वो तो हम हैं जो आपसे यहां पर रुकने की प्रार्थना कर रहे हैं, पर अंतिम निर्णय तो आप ही का है मामा जी। दिल्ली दरबार की मुट्ठी में ये सारी कायनात है, अफगान के इस सुरमा की कहो तो क्या बात है। देवगिरी को लूट लिया, किया किलाए दुश्मन हासिल, जनाब अलाउद्दीन खिलजी की कहो तो क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। तारीफ तो मुसलसल बहुत हो गई, सुजात के किससे भी तमाम हो गए, अब जरा हुस्न की तारीफ की जाए। कोई मचलती हुई ऐसी शायरी सुनाइए, तबीयत मचल जाए। अब आप सबके सामने चित्तौड़ की रानी बहू और चित्तौड़ के महला की नई बहू राजपूताना के नृत्य का कमाल दिखाएगी। अब सबको अनुरोध है इन दोनों बिंदड़ियों का उत्साहवर्धन करें।
हम क्षमा चाहते हैं। हमने नृत्य तो सीखा पर राजपुताना का नृत्य नहीं सीखा। क्या करें, हमारे नगर में उसका चलन ही नहीं है। पर अगर हम आज आप सबके सामने राजपुताना का नृत्य नहीं कर पाए तो हम इसे सीखेंगे अवश्य, पर हमारा लक्ष्य प्रतियोगिता नहीं है। हम तो इसे स्वयं के लिए सीखना चाहते हैं।